अरे ये क्यों गुस्से में आ रही भाई? ये चरी खन रही है, ये नेचुरल चीज है गांव की, यही खाएंगी फिर मन्नो तन्नो पच्चो। तो गांव में देखिए यही जीवन है, मैं भी इसीलिए यहाँ पर टाइम देता हूँ कि अच्छा लगता है। नाया कब से नहीं है? अच्छा ये बता, परसों आया था, साबुन लगाया था कि नहीं? ये भोला, ये मन्नो, ये तन्नो, ये पच्चो, ये कांते, ऐसी इसका मेहनत कर कर इसके तेल निकल गया। क्यों इसको साफ कर करके तुम्हारा भी तेल निकल गया? इतना गौर से देख रहा है, हमारी तरफ भी देख लो। मन्नो बाबू उठो उठो, मन्नो यार बोल नहीं रही है यार, हैं मन्नो मूडी हैं। तो डेली व्लॉग में आज हमारे साथ है खुशनूद, खुशनूद हमारे भाई हैं। मन्नो मन्नो चिल्लाया लेकिन मन्नो की आवाज नहीं आई, क्यों नहीं आई? मन्नो मूडी हैं भाई। मन्नो मूडी है। कितनी भैंसें हैं खुशनूद भाई? ये तीन भैंस हैं। तीन है, तो बचपन से पाली है? हाँ बचपन से है। गुस्से में क्यों मरता? नहीं गुस्से में नहीं है, पकड़े रखा है हमने तुम्हें, क्यों गुस्से में हो? गुस्से में नहीं, बताओ यार। अरे जी मोहब्बत है। तो जानवर से बहुत प्रेम करते हो? हाँ प्रेम करते हैं। तो इधर का इतना गौर से देख रहा है, हमारी तरफ भी देख लो। अरे यार बताओ ना यार, बताओ। चलो अब तुम हमारे सामने नहीं दिखा रहे, चलो ये तुम्हारी मन्नो है, ये तो मन्नो गुस्से में आ गई। मन्नो को यार गुस्सा ना दिलाओ। तो ये कितने टाइम से तुम्हारे पास है खुशनूद भाई? कितना टाइम हो गया इसको? इसे कम से कम, अरे ये क्यों गुस्से में आ रही भाई? डर रही है। कितना टाइम हो गया इसे? इसे हमारे जी बचपन से। अरे यही पैदा हुई है तुम्हारी? पैदाइशी यहीं की। बड़ा यार घेर वेर वाला रंग बिरंगा है तुम्हारा। और ये कौन सी है जी? हाँ ये इसे भोला के नाम से जाना जाता है। ये भोला? अरे आओ ना इधर यार, भोला, ये भोला है। ये सीधी लग रही है, ये शुरू से ही है तुम्हारे पास? नहीं इसे लिया था हमने भोलापुर। तो जी कितने कितने कितना लीटर दूध दे रही है जी? इस टाइम तो 10 लीटर लगभग दे रही है। ये वाली जे भी लगभग 10 लीटर दे रही है। अच्छा और कौन सा, और कौन सी? वो भी आने वाली है। ये इसका नाम क्या है? इनका नाम तन्नो है। तन्नो 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 मन्नो तन्नो तन्नो तन्नो। ये अभी कितनी ज्यादा छोटी है बच्ची अभी है? हाँ पहली बार भी आएगी अभी, पहली बार भी आएगी। और ये सब इनके, इसका नाम क्या है? पच्चू है। पच्चू, ये पच्चू। और इसका नाम? इसका कार्तिक नाम है। कार्तिक, ये भोला, ये मन्नो, ये तन्नो, ये पच्चो, ये कार्तिक, ये खुशनूद। तो बड़ा शौक है जानवरों का है? हाँ, गांव में अच्छा लगता है रह के? गांव में बहुत बेहतर। गांव की जिंदगी कैसी रहती है? गांव की जिंदगी से तो बेहतर जिंदगी नहीं है कोई। अच्छा आओ इधर आओ, कैसी जिंदगी है? सबसे बेहतरीन जिंदगी गांव की। अरे जैसे जैसे शहरों में भी लोग, शहरों में भी रहते हैं लोग, शहरों में रहते हैं अच्छी जिंदगी काटते हैं, लेकिन आपको क्यों गांव की जिंदगी अच्छी लगती है? गांव में सब खुला हुआ है, खेती बाड़ी सब अपना। अच्छा। जो भी है अपने आत्मनिर्भर काम है। अच्छा। सब खेती का सब। ये क्या था, चरीगा है ये? दिखाओ जरा, बरसीन है ये, बरसीन काटने के लिए है ये है। हाँ। ये मशीन होती है, कैसे चला चला के दिखा दो, व्यूवर्स देख लेंगे एक बार। जरा हत्ता मारना, मारो मारो, ये लोग देखने को बड़ा तरसते है। मुठ्ठा लगा दो, मुठ्ठा लगा दो पीछे से, ये चरी खन रही है, ये नेचुरल चीज है गांव की, यही खाएंगी फिर मन्नो तन्नो पच्चो। चलो चलो बस रहने दो रहने दो, आ जाओ आ जाओ। और ये ट्रैक्टर खड़ा है? हाँ। ये ट्रैक्टर है, बकरे भी हैं ये। इसका नाम रखा है कुछ? रखा है नहीं, नहीं कुछ नाम नहीं इसका, नहीं रखा है जी।
बकरा पार्टी है। बकरा पार्टी तो मजा आ रहा है जिंदगी में, जिंदगी का मजा ही गांव से। तो हम भी डेली व्लॉग में मजा ही ले रहे हैं, सही कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन मजा ले, सही कर रहे हैं, बेहतर काम, अच्छा काम। चलो अरे ये तो फौज आ गई, ये तो मेरे दोस्त हो गए सब। किससे? शेडो से हिले हुए हैं ये पूरी टीम। आ शेडो, शेडो की पूरी टीम आ गई। शेडो आ जल्दी आ, ये देखो शेडो, आ शेडो, ए शेडो ने भगा दिया सबको, शेडो ने भगा दिया, ये शेडो ने भगा दिया, शेडो 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 से भाग गए सब। आजा शेडो आजा, आओ, नहीं डरे, दोस्ती है यार। तो ये है सरसों, सरसों है दोस्तों, ये इसका देखिए तेल निकलता है, जैसे इंसान का तप के तेल निकलता है काम मेहनत कर करके, ऐसे इसका मेहनत कर कर इसके तेल निकल गया। क्यों? इसको साफ कर करके तुम्हारा भी तेल निकल गया, निकल गया तेल, दो बार साफ होती है, कितनी बार हो रही है? चार बार, चार बार हो रही है, तो हंस क्यों रहे हो? तो ये है सरसों, इसी से बनेगा तेल और इसी को फिर खाया जाएगा। यही देखो सरसों का शरबत, क्या बनेगा सरसों का? सरसों का शरबत। तो कितने दिन में ये तैयार होती हैं भाई? क्यों ताबिश, कितना टाइम लग जाता है इसको? बड़े यार शर्मीले हैं, तुम बताओ। इसे टाइम लगता है चार से तीन महीने तक तैयार होने में। अच्छा, उसके बाद कटेगी? अच्छा, कटने के बाद में अभी थ्रेसर आता है, खनता है। अच्छा, कटर, फिर ये ऐसे होती है, फिर सुखाई जाती है, फिर चन्ना लगता है, फिर चन्ना लग रहा है, जी चन्ना लग रहा है, ये तो औरतें लगाती हैं, चन्ना तुम लगा रहे हो? ये औरत का काम नहीं है, ये आदमी का ही काम है चन्ना लगाना। चलो हम आप आ गए घोड़ों के पास, सब इसको छोड़ दिया है सूरमा को, और सब आज बैठे हुए हैं, शेडो ये बैठा है। तो जानवरों का यही है कि थोड़ा सा मैंने दिखाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम भी घोड़े हो गए हो, है मुन्ने पानी पिला रहे हो, बड़ा दांत मांझ लिया करो थोड़े से, मांझे थे नहीं मांझे थे? नहाया कब से नहीं है? अच्छा ये बता, परसों आया था, तो साबुन लगाया था कि नहीं? कौन सा साबुन? नहाने वाला। कौन सा वाला? लाइफ बॉय। लाइफ बॉय। तो हरे हरे खेत, और ये रहा सूरमा, सूरमा सूरमा, ये है अपना सूरमा। आज डेली व्लॉग में थोड़ी दिखाए, भैंस दिखा दी, भैंसे दिखा दी, मन्नो तन्नो ये सब हिली हुई हैं, आज बोली नहीं, वैसे बोलती हैं जब ये नाम लेते हैं तो सब भैंसे बोलती हैं। और अपना ये सूरमा देखिए कितने हरे भरे खेत हैं, और इस टाइम फसल का जो गेहूं का सीज़न है, बस गेहूं तैयार हैं और गेहूं कटेंगे, क्योंकि हरी फसल है इस टाइम बिल्कुल। तो ये देखिए पूरा अपना, ये अपने घोड़ों का है ये सब, ये बना है देखिए, ऊपर से नज़ारा देखिए, सूरमा बना हुआ है। तो गांव में देखिए यही जीवन है, मैं भी इसीलिए यहां पर टाइम देता हूं, क्योंकि अच्छा लगता है जब यहाँ टाइम देते हैं।
बाकी शहरों में तो लाइफ अलग टाइप की है, यहाँ थोड़ी अलग है, लेकिन ये है कि सुकून भरी है। अगर सब चीज़ यहाँ पर मिल जाए, जो चीज़ आपको शहरों में चाहिए और यहाँ मिल जाए, तो फिर यहाँ से अच्छी लाइफ कहाँ पर है, कहीं नहीं। तो आप नज़ारा देख रहे हैं। तो दोस्तों, डेली व्लॉग में हमने आज आपको भैंसे दिखा दी, तन्नो मन्नो की जोड़ी दिखा दी, और जो एक सादा जीवन होता है ना, वो गांव में है और अभी भी बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बस जो मोबाइल से भी दूर रहते हैं, इसी तरह के लोग भी हैं। और कहने का मतलब ये है कि सुकून भरी लाइफ है जो शहरों में कम मिलती है। तो इसीलिए मैंने डेली व्लॉग में अपना थोड़ा बहुत आपको जो दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हूँ, गांव आया हुआ हूँ। वैसे तो आता रहता हूँ अक्सर, जब से घोड़े पाल लिए हैं तो ज़्यादा आता हूँ। तो यही है कि आपको दिखाऊँ तरह तरह के वीडियो। आपके सुझाव आ रहे हैं, उस पर भी मैं काम करूँगा, और जो सुझाव दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ नया करेंगे जल्दी से जल्दी। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए डेली व्लॉग में, धन्यवाद।